नमस्ते, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं पटना के राजा बाजार इलाके में, और इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं क्योंकि बकरीद का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और इसके साथ ही बकरियों की तो मांग होती ही है, बकरों की मांग होती है, लेकिन अब दुम्बा नस्ल की जो भेड़ होती है उनकी भी मांगें बढ़ी हुई हैं। तो पहले हम उन भेड़ों को दिखा दें, उसके बाद हम आपसे जिन जो शख्स हैं हमारे साथ हैं राकिब खान जी, हम इनसे जानेंगे कि कितनी मांगें बढ़ी हैं और किस तरह के दुम्बा नस्ल के जो होते हैं उनकी किस तरह से लोग मांग करते हैं, कैसे नस्ल की मांग करते हैं, क्या आकार, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप, मैं चाहूँगा अपने साथी से कि थोड़ा सा आप दुम्बा को दिखाइए जिसकी मांगें हो रही हैं अभी इस समय इन दिनों। तो ये देखिए इस तरह के हैं। और ये राकेश जी, ये बताइए किस तरह की भेड़े हैं, सॉरी भेड़ ही इसको बोला जाए, भेड़ी नस्ल में आते हैं दुम्बा? नस्ल तो भेड़ी में आता है लेकिन इसको दुम्बा कहते हैं। और दुम्बा में भी क्वालिटी होता है जी जी, एक तुर्की होता है, टर्किस होता है, फिर एक नागौरी होता है। तो इनका कौन सा ये जो है आपके पास जो है? अभी मेरे पास प्योर तुर्की में दुम्बा है ये वाला। अच्छा, पार्ट में हार्ट शेप में आता है ये। अच्छा, हार्ट जी। पीछे से जब इसका चक्की देखिएगा तो इसका डिज़ाइन बनावट अलग रहेगा। और इस टाइप के दुम्बा का जो है थोड़ा कॉस्टली भी आता है, उसके बाद आपका जो है क्वालिटी बढ़िया रहता है। अच्छा, क्वालिटी बढ़िया रहता है इसका। तो इसका कितनी मांग है इस समय बकरीद में, कितनी मांगें हुई हैं? इस टाइप का अगर रहेगा तो इस टाइप का अभी तो हमको बंगाल से आ रहा है इसका ऑफर 1.5 लाख का। अच्छा, लेकिन अभी हमको इसको 1 साल रखना है और इसका बच्चा लेना है एक बार, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ सोचना है। अच्छा, 1.5 लाख रुपए तक इसकी मांगे अभी जी अभी आ रही है, जबकि इसका उम्र अभी 13 महीना है। 13 महीने का उम्र है और तुर्की जी, तुर्की दुम्बा, तुर्की दुम्बा है ये और 13 महीने का समय है और 1.5 लाख तक अभी इसका दाम मिल रहा है। 1 साल के बाद कितना दाम बढ़ेगा इसका? इसका बॉडी वेट अगर लमसम 1.20 के ऊपर चला गया तो 2-2.5 लाख लमसम, 2 से 2.5 लाख रुपया इसका मिल जाएगा आपको। तो अभी अभी कौन सा बेच रहे हैं अभी, किस कौन से? अभी ये फीमेल सेल करना है हमको, इस बार फीमेल सेल कर रहे हैं जी। कितना लग गया है ये, कितने का, कितने की मांग है इसकी अभी? इसका फाइनल मेरा 80 का है मांग, 80,000 रुपये का। तो ये देखिए ये 80, ये भी तुर्की ही है? हाँ, ये मिक्सअप मान के चलिए, तो तुर्की में भी आएगा, तुर्की में भी आएगा, दोनों में आएगा। अच्छा, तो इसका खुला पार्ट नहीं है मैंने। अच्छा, सवाल ये है सर कि अभी जो है कितने दुम्बा के भेड़ों की कितनी मांगें बढ़ी हैं बकरीद में, कितना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बकरीद में मान के चलिए कि 100 में आपका 10% जो है मांग है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ बिहार में पहचान भी नहीं रहे, जो भी इसके खरीदार आते हैं सब बाहर बाहर के आते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं? बंगाल हो गया आपका, मुंबई हो गया, ये सब जगह से आ जाते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। ऑनलाइन का सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन फ़ोन करते हैं तो यहाँ से चला जाता। अच्छा, है आपने रखा है ऑनलाइन व्यवस्था की है? जी, ऑनलाइन व्यवस्था है। अच्छा, तो वहाँ से आ जाते हैं जी। तो ये तुर्की और तमाम चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इनका पालन पोषण करने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसका यही है कि हेयर ट्रिमिंग जो है टाइम से करना, हर 3 महीने पर कर देना, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कभी भी हेयर ट्रिमिंग रहेगा, छोटा बाल रहेगा, सर्वाइव कर जाएगा। बाल ज़्यादा बड़ा होगा तो वेट भी थोड़ा स्लो लेगा और फिर तरह तरह का स्किन डिजीज बीमारी होगा। तो इनके 1-1.5 साल में कितना खर्चा आ जाता है इनके खान पान में? देखिए, खस्सी बकरी से बहुत कम खर्चा है इस सब में। इस सब में जो है नॉर्मल हम भूसा और चोकर चुन्नी देते हैं, यही सब मान के चलिए कि 3 मेरे पास है तो ये तीनों में सिर्फ जाता होगा पर्सनली खर्चा मेरा 1200 से 1500 हार्डली नॉर्मल खर्चा। कितने महीने में? महीने का 1200 से 1500 रुपया खर्चा आता है जी, और मांग बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, गर्मी जिस तरह से 42-44 डिग्री तापमान रहा, सब कुछ रहा जी, तो कैसे इनको सर्वाइव किया, क्या व्यवस्था है? कोई भी चीज़ हो, कोई भी जानवर हो या इंसान हो, उसको जिस चीज़ में ढालिएगा वो ढल जाता है। इसको हम स्टार्टिंग से नॉर्मल पंखा में रखे हैं, पंखा में ढला हुआ, अगर इसको हम एसी दे देते या कूलर दे देते तो फिर उसके आधारित ये हो जाता, अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, इसको स्किन डिजीज हो गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, ज़्यादातर इसमें स्किन डिजीज का प्रॉब्लम आता है, स्किन डिजीज का प्रॉब्लम आता है। तो बकरीद में मतलब धीरे धीरे ट्रेंड हमको लग रहा है कि बढ़ा है, इसको लेकर बाद मांगे चल रही है, अभी 10% ही है। पिछले साल यहाँ मंडी में हम उतारे थे 3 दुम्बा, तो पिछले साल तो काफ़ी लोग आए जिसको समझ में नहीं था कि दुम्बा है, भेड़ आके बोलते थे कि ये भेड़ है, अब तो हमको लग रहा है कि इस बार उतारेंगे तो लोग जानेंगे कुछ कुछ जो जो देखे हैं पिछले साल। कब उतार रहे हैं इनको मंडी में, कब जाएंगी ये? देखिए, कल सुबह सुबह जाएगा, हो सकता है कल सुबह निकल जाएगा। अभी एक ही बेच रहे हैं जी, पिछले साल 3 बेचे थे, कितने में गया था तीनों आपको पूरा? लमसम में 3 लाख में गया था, 3 लाख रुपये का बेच, जिसमें से 2 फीमेल थी 1 मेल था। अच्छा, अब मेल का क्वालिटी ये वाला नहीं था, मेल का क्वालिटी वो था, उसी का बच्चा है वो, उसी मेल का बच्चा। अच्छा, तो इस तरह के रहेंगे तो इसका मांग और बढ़ेगा जी, इसका मांग रहेगा तो इसका मांग अच्छा है, इसका इस क्वालिटी में रहता हूँ। अच्छा, तो इनका अगर कोई पालन भी करना चाहे तो आराम से बिहार की जलवायु के में कर सकता है जी, हैं
कोई रख रखाव बहुत बेहतर नहीं, जैसा रखेंगे जिस स्थिति में उसके उस स्थिति में आपको पूरा रखना पड़ेगा। और इसको जो भी चीज़ दीजिएगा खाने के लिए खा लेता है, इसका कोई डिमांड नहीं है। खस्सी बकरी में डिमांड होता है कि हमको ये नहीं खाना ये खाना, इसमें कोई डिमांड नहीं, जो दे दीजिएगा। बीमारी उमारी कोई, बस बीमारी सिर्फ स्किन डिजीज चाहिए। अब बाकी टाइम टू टाइम वैक्सीन करवाइएगा तो और बढ़िया है। राकेश भाई जी का कहना है कि अभी जो है कुछ समयों से मांग बढ़ी है डुम्मा की, जो पहले चीज़ें नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से लोग अब इसको डुम्मा को धीरे धीरे पहचानना भी शुरू कर चुके हैं। जैसा कि तो पटना के लोग नहीं लेते हैं विशेष तौर से, नहीं पटना ही के लोग लेते पिछली बार, अब शौक के ऊपर है, लेते हैं शौक से लोग जिनको समझ में आता है कि हाँ चीज़ क्या है। अब बाकी लोग को तो महंगा आइटम भी देख के नहीं ले पाते हैं, कहते हैं कि भेड़ टाइप का है और महंगा भी है। अच्छा, तो बकरीद में भेड़ की भी वो दी जाती है? हाँ दी जाती है, भेड़ की भी होती है, दुम्बा की भी होती है, जिसका जैसा रहा उसे आप कर लिया कुर्बानी। अच्छा, कुर्बानी कर सकते? ऐसे पहला कुर्बानी इसी पे हुआ था। अच्छा। दुम्बे पे होता है, ये आसमानी, हम लोग का आसमानी जानवर कहलाता है, सीधा आसमान से उतरा था। अच्छा, दुम्बा जी, तो पहला कुर्बानी दुम्बा पे ही दिया जी, पहला कुर्बानी शुद्ध प्योर का जी जी जी, जो आप लोग में है ये सबसे शुद्ध हो चीजें और सबसे जी जी जी, तो इसी इसी का इसी को माना जाता है, पहला आप इसी को दिया गया था जी। आप इनकी हाइट देखिए, पहला मतलब शुद्ध सीमा, तो लोग तो इसके लिए पैसा भी देने के लिए बहुत राजी होते होंगे, क्योंकि पहली कुर्बानी की तो वही चीज़ है, इसीलिए डिमांड है। देखिए पहला कि पहला कुर्बानी ये हुआ था, और दूसरा है कि आपका जो चीज़ मार्केट में कम होता है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो मार्केट में समझिए कि बहुत कम है। जैसे बिहार है, बिहार में समझिए कि पटना में ही मेरे ही पास है सिर्फ, जहाँ तक हमको लग रहा है, अब पता नहीं और लोगों के पास हो सकता है। हाँ, जैसे हम अभी तक नहीं देखे हैं पटना के अंदर। तो ये डुम्बा है पूरा है ना, तो इसकी मांगे बढ़ी हैं, और कुर्बानी में भी बकरीद में जैसा राघव जी का कहना है कि बकरीद के दौरान पहले सबसे पहला कोई कुर्बानी दिया गया था तो डुम्बा का ही दिया गया था, इसके चलते इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है और दाम भी लोग देने के लिए तैयार हैं। पिछले साल इन्होंने 3 डुम्बा बेचा था जिसका 3.5 लाख रुपये तक इनको दाम मिला था, वहीं अब ये इस बार भी इस जो डुम्बा को देख रहे हैं ये 1.5 लाख रुपये इसका दाम है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में इसको और अच्छा दाम मिले। तो इस तरह से अब डुम्बा की भी बकरीद में कितनी मांग होती है, क्या चीज़ें हैं, क्यों ज़्यादा इसकी डिमांड है और क्यों इसको लोग पसंद कर रहे हैं, सब कुछ जानने का हमने प्रयास किया, और इसके रख रखाव तमाम चीज़ों को भी बताने का हमने प्रयास किया। तो अगर आप भी डुम्बा नस्ल के जो भेड़ हैं इनका अगर पालन करना चाहते हैं तो आप भी करिए, थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लीजिए, तो आप भी आराम से अपने जो बिहार जैसे जलवायु में आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राकीब कर रहे हैं 44 से 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है बिहार में जो इस साल, उसके बावजूद भी इनके डुम्बे पूरे तरह से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो ये लगाया जा सकता है कि अब जैसा माहौल है जैसा वातावरण में इनको ढालेंगे उसके अनुसार ये ढल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया जरूर दें। खेती कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।